शहर में शदीद धुंध, हद निगाह में नुमाया कमी, सर्द हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा, शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, हवा में नमी का तनासुब 90% हो गया, आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। निगरान काबीना की बड़ी बैठक में बड़े फैसले, बैंक ऑफ पंजाब का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तहलील, 24 घंटों में नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तश्कील देने का हुक्म, वजीर आला नए 12 रुकनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी देंगे, मिजार बीबी पाक दामन के रास्ते को कुशादा करने के लिए फंड्स का इजरा मंजूर, लेबर कोर्ट और सारिफ अदालत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर की नामजदगी की मंजूरी, पंजाब वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट कमेटी की तश्कील की मंजूरी, साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुम्बुल मरहूम की बेवा को GOR 1 में घर का फौरी कब्जा देने का हुक्म। वजीर आला सेक्रेटेरिएट में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास, वजीर आलम मोहसिन नकवी कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने सदारत की, 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान का जायजा लिया गया, इजलास में पोलिंग स्टेशंस पर CCTV कैमरों की तंसीब की हिदायत, पुलिस रेंजर्स और फौजी दस्तों की 3 दर्जों में तायुनाती पर तबादला ख्याल किया गया, कमेटी ने दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों और फोर्सेज की मुश्तरक कोशिशों को सराहा। बरकत मार्केट वाई जंक्शन मंसूबे पर बड़ा ब्रेक थ्रू, नहर से कबल वाई जंक्शन पर फुल हाइट अंडरपास दिया जाएगा, ठोकर से आने वाली ट्रैफिक के लिए कैंपस पुल पर 2 लेन फ्लाईओवर बनेगा, मंसूबे की लागत का तखमीना 4 अरब लगाया गया। तीन तरक्याती स्कीमों के लिए 7 अरब से ज्यादा फंड मंजूर, यूं अस्पताल के तरमीमी मंसूबे के लिए 2 अरब 33 करोड़ 48 लाख मंजूर, गंगाराम अस्पताल के लिए 1 अरब 28 करोड़ 70 लाख, सर्विसेज अस्पताल के लिए 4 अरब 2 करोड़ मंजूर, सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 44वां इजलास, महकमा हेल्थ को फर्नीचर और दीगर सामान के लिए मजीद 1 अरब 70 करोड़ मिले। निगरान हुकूमत का एक और तारीखी इकदाम, गंगाराम अस्पताल की 80 बरस बाद तजीनो आराइश जारी, सीवरेज वाटर सप्लाई बिजली की वायरिंग तब्दील कर दी गई, ऑपरेशन थिएटर वॉशरूम भी नए तामीर होंगे, बेड्स तिबी आलात और मशीनरी भी नई फराहम की जाएगी, तारीखी इमारत की रिवैम्पिंग भी जारी। PIA के इंतजामी उमूर शदीद दबाव का शिकार, 31 तैयारों पर मुश्तमिल बेड़े में 9 तैयारे ग्राउंड, तैयारे पर पुर्जा जात और लीज रकम ना अदा करने के बायस ग्राउंड हुए, मनफी क्रेडिट रेटिंग पर आलमी इदारों की PIA की मुआवनत से माजरत, लीजिंग कंपनीज ने पाकिस्तान की रेटिंग को कारोबारी पॉलिसी से मुतसादिम करार दिया। काना के इलाके में खाली प्लॉट से 25 साल लड़की की लाश बरामद, पुलिस के मुताबिक लड़की को तशद्दुद करके कत्ल किया गया, शनाख्त नहीं हो सकी, लाश मुद्दा खाने मुंतकिल, पुलिस की मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात जारी। आम इंतखाबात की हसासियत और सिक्योरिटी इंतजामात, 92,747 की पुलिस नफरी कम पड़ गई, इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज तायुनात होगी, फौज और रेंजर्स के 92,000 से ज्यादा अहलकार तायुनात होंगे, सूबे के 28,120 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का ट्रेनिंग से गैर हाजिर असाजा और सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का फैसला, तमाम चीफ सेक्रेटरीज को गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, परवेज रशीद, बेगम इशरत अशरफ ने शिरकत की, मरियम नवाज, सेनेटर आजम नजीर तारर, तलाल चौधरी, नासिर बट भी शरीक हुए, एजाज में 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। मुस्लिम लीग नून का PP 166 के इलाके शाम के भटिया में इंतखाबी जलसा, उम्मीदवार PP 166 मलिक अंस महमूद, उम्मीदवार NA 125 मलिक अफजल खोखर ने शिरकत की, लीगी उम्मीदवारान ने शुरका को जमात के मंशूर से आगाह किया, NA 124 में राना मुबशर इकबाल और PP 159 में मरियम नवाज की इंतखाबी मुहिम, राना मुबशर इकबाल का गजुमता, कमाहा, निश्चर समेत दीगर इलाकों का दौरा। वासिया चौक कॉलेज रोड बागमापुरा में नून लीग की कॉर्नर मीटिंग, शाइस्ता परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर, मियां फारूक सईद, नवीद लोधी, अब्दुल गफ्फार मलिक ने शिरकत की, शफाकत अली,
अनवर कसूरी भी शरीक हुए। एनए 122 पीपी 155 में मुस्लिम लीग नून की कॉर्नर मीटिंग, लीगी उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक, नईम शहजाद भट्टी की शिरकत। हल्का एनए 129 और पीपी 172 में भी इंतखाबी मुहिम उरूज पर, लीगी उम्मीदवार हाफिज मियां नुमान, राणा मशहूद ने शहरियों से मुलाकातें की। लाहौर का हल्का एनए 127 सियासी जमातों का मरकज़े निगाह बन गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो जरदारी हल्के में मुतहरिक। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो एनए 127 के वर्कर्स कन्वेंशन में पहुंच गई। जियालों और जियालियों का पुरतपाक इस्तकबाल। आसिफा भुट्टो जरदारी ने नारे लगवाकर कारकुनान का लहू गरमाया। एनए 127 में मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह किया। चौधरी सरवर, शहरी रहमान, शहला रजा, फैसल मीर, मियाँ मिसबाउर रहमान और दीगर हमरा थे। आसिफा भुट्टो जरदारी पार्टी रहनुमा बशीर रियाज के घर गयी। खैरियत दरिया थी। यूईटी ने पहली ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कांग्रेस एंड एक्सपोजिशन। गवर्नर पंजाब और चांसलर मोहम्मद वली गुरहमान ने खसूसी तौर पर शिरकत की। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नासिर हयात, यूएस काउंसिल जनरल क्रिस्टन के हॉकिंग्स ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब ने नुमाइश में रखी जाने वाली गाड़ियों, रिक्शों और मोटरसाइकिलों का मुआयना किया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में सूबाई वजीर दाखिला कमेटी का इजलास, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर अली जान खान ने सदारत की। इलेक्शन के बाइस पंजाब में एमबीबीएस की क्लासेस के आगाज की तारीख तब्दील कर दी गई। तमाम सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजेस में क्लासेस अब 12 फरवरी से शुरू होंगी। यूएनटी के जेर एहतमाम दूसरी इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस। सीनियर सहाफी सुहेल बराइच और वफाकी वजीर इत्तला'आत मुर्तजा सोलंगी का खिताब। डीजी पेमरा, मोहम्मद इकराम, सलमान गनी की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से फैकल्टी और तुलबा भी शरीक हुए। हजवेरी यूनिवर्सिटी में बैनुल अक्वामी कॉन्फ्रेंस और फार्मेसी प्रोजेक्ट। डॉक्टर जकाउर रहमान, सेक्रेटरी पंजाब फार्मेसी काउंसिल की शिरकत। डॉक्टर शहला जावेद अक्रम और प्रोफेसर डॉक्टर निजामुद्दीन भी शरीक हुए। मुस्तकबिल की नस्ल को बाइख्तियार बनाना के मौजू पर कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई। हफ्तावार अल्हम्ब्रा मेलेडीज में इंस्ट्रूमेंट डे का इनेकाद। अल्हम्ब्रा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के तुलबा की म्यूजिकल परफॉर्मेंस। साजिंदों के पेश करदा कॉम्पोजिशंस ने समा बांध दिया। और अवामी बेयरिंग वन डे क्रिकेट टूर्नामेंट। वाइटल चाय ने एज ब्लॉक को 42 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। वाइटल चाय की टीम ने पहले खेलते हुए 255 रन बनाए। जवाब में एज ब्लॉक की टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 213 रन बना सकी।